पर साइक्लोन किसी भी समय मुंबई से कई किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है और इसका परिणाम आप देख सकते हैं, हाई टाइड यहाँ पर आप देखिए समंदर कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखा दें कि कुछ समय पहले यहाँ पर 6 बच्चे लहरों के साथ बह गए थे, जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी 4 लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। हालांकि समंदर आप देख सकते हैं कि समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना असंभव सा है। बाकी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो समंदर के किनारे कुछ लोग हैं जो लोगों को रोकते हैं पानी के पास जाने के लिए, ये लाइफ गार्ड है जो समंदर के किनारे पर खड़े हैं। और साथ ही आप देखिए इस तरफ मैं आपको दिखा दूं कि लोगों के लिए बीच पर आने पर रोक लगाई गई है और इसी वजह से यहाँ पर लोकल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका उदाहरण कुछ समय पहले देखने मिला। शाम के 5:30 बजे की घटना है जब 6 लोग पानी में बह गए थे, जिसमें से 4 लोगों को अब भी ढूंढा जा रहा है। कैमरा पर्सन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, ABP News, मुंबई।